Good morning to all of you. Welcome to online class of social science. Today we will study geography chapter 4 agriculture page number 38. Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लार गुरप्रीत माधो और टीना गांव में टहल रहे थे जहां उन्होंने एक किसान को खेत जोतते हुए देखा किसान ने बताया कि वह गेहूं की बुआई करने वाला है और मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल करने के लिए उसने मिट्टी में खाद मिलाई है किसान ने यह भी बताया कि गेहूं मार्केट में अच्छी कीमत पर बिकेगा जहाँ से उसे आटा बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाएगा इस आटे और मैदे से बिस्किट्स और ब्रेड बनाए जाएंगे दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दीज आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of cloth are examples of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sector through services. Transport, trade, banking, insurance, and advertising are examples of tertiary activities. प्लांट से एक पौधे से फिनिश प्रोडक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में तीन प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं मींस प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिनका कनेक्शन नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से है एग्रीकल्चर फ़िशिंग और गैदरिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन रिसोर्सेस की प्रोसेसिंग से कनेक्टेड है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेड की बेकिंग और कपड़ा बुनना सेकेंडरी एक्टिविटीज में शामिल है टर्सरी एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट ट्रेड बैंकिंग इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग टर्शरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं वर्ड ओरिजिन द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉयल एंड कल्चर मींस कल्टीवेशन एग्रीकल्चर वर्ल्ड लैटिन वर्ल्ड एगर या एग्री से लिया गया है जिसका मतलब होता है मिट्टी और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन कल्चर का मतलब है खेती करना एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स

इंडिया के टू थर्ड पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज़ कनेक्टेड सॉरी कॉन्ट्रेटेड इन रीज़न्स ऑफ़ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी सॉइल और क्लाइमेट जरूरी है जिस लैंड पर फसलें उगाई जाती हैं उसे अरेबल लैंड या कृषि योग्य जमीन कहते हैं इस मैप में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वर्ल्ड के उन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट है जहां एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है नाउ कम टू द पेज नंबर थर्टी नाइन डू यू नो एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल ऑन द सॉइल रेजिंग क्रॉप एंड डरिंग लाइफ स्टॉक इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग एग्रीकल्चर का मतलब खेती का साइंस और आर्ट जिसमें जमीन पर अनाज उगाया जाता है और पशुपालन किया जाता है इसे फार्मिंग भी कहा जाता है सेरिकल्चर कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इट अल्सो सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर सिल्क के कीड़ों को ग्रो करना उससे सिल्क बनाना ये सेरिकल्चर कहलाता है और ये किसानों को एक अतिरिक्त आय प्रदान करता है फिशिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ द फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स स्पेशली कंस्ट्रक्टेड विशेष रूप से बनाए गए तालाबों में मछली को पालना फिशिकल्चर कहलाता है इसी तरह अंगूर की खेती करना विटिकल्चर और फलों की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है farm system agriculture or farming can be looked at as a system the important inputs are seeds fertilizers machinery and now come to the page number 40 labor some of the operations involved are plowing sowing irrigation weeding and harvesting the outputs from the system इंक्लूड क्रॉप वूल डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट एग्रीकल्चर या फार्मिंग को एक सिस्टम के रूप में देख, देखा जा सकता है इसके इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं सीड्स फर्टिलाइजर्स मशीनरी और खेतों में काम करने वाली लेबर इसमें जुताई बुआई सिंचाई और फसल काटना आदि क्रियाएं शामिल हैं। इस सिस्टम के आउटपुट्स में क्रॉप यानि फसल पशुपालन से मिलने वाली डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यानी अंडे या मीट आदि चिकन आदि शामिल है मैं? वीडियो बना रही हूँ मैं वीडियो मुझे रोक तो नहीं पड़े बीच में नहीं यार तेरी धाम इतनी था बाबा बस ओले इतने ओले ओले यही तो डाला था आपने नीचे नीचे डाला था बस ये मतलब वाटर सोते थे तुम याद करती लो लेवल टेक्नोलॉजी और हाउस होल्ड लेबर मींस फैमिली का यूज किया जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में बांटा जा सकता है इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot rice is the main crop other crops include wheat maize pulses and oil seeds intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of south southeast and east asia इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर एक छोटे से खेत पर सिंपल टूल्स और ज़्यादा मेहनत से खेती करता है अधिक दिनों तक धूप वाले क्लाइमेट और फर्टाइल मिट्टी के कारण एक ही जमीन पर पूरे वर्ष भर में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं इस टाइप की फार्मिंग में राइस मुख्य फसल होती है दूसरी फसलों में व्हीट मेज पल्सेस और ऑयल सीड्स शामिल हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर साउथ साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के अधिक पॉपुलेशन वाले मॉनसून रीजन में की जाती है नाउ कम टू देज नंबर फोर्टी वन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमेडिक हर्डिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड areas of amazon basin, tropical africa, parts of southeast asia and northeast india. these are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. the ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. after the soil losses its, sorry, loses its fertility, द लैंड इज एबेंडन एंड द कल्टिवेटर मूव टू ए न्यू प्लॉट शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एन बर्न एग्रीकल्चर प्रिमेटिव सब्सिटेंस एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर uh, में शिफ्टिंग कल्टिवेशन और नोमेडिक हर्डिंग शामिल है शिफ्टिंग कल्टिवेशन अमेजन बेसिन के घने जंगलों ट्रॉपिकल अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रचलित है इन सभी एरियाज में हैवी रेनफॉल और तेज धूप होती है जिस कारण पेड़ पौधे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं फॉरेस्ट में जमीन के एक टुकड़े पर पेड़ों को गिराकर जला दिया जाता है इस राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और, और इस प्लॉट पर मिट्टी में मक्का आलू और कसावा जैसी फसलें उगाई जाती हैं जब जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो इसे छोड़ दिया जाता है और दूसरी जमीन पर खेती की जाने लगती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं नोमेडिक हर्डिंग इस प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रिजिंस ऑफ सहारा सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समेन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स दिस टाइप ऑफ मूवमेंट

सेंट्रल एशिया और इंडिया के राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर जैसे ड्राई और सेमी ड्राई रीजन्स में नोमेटिक हर्डिंग प्रचलित है इस टाइप की फार्मिंग में चरवाहे अपने लाइव स्टॉक जैसे कि कैमल शीप याक और गोट के साथ हरे चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं ये एनिमल्स इन चरवाहों को मिल्क मीट वूल हाइट्स मीन्स खाल और दूसरे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मेनोर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ़ केमिकल्स नो जेनेटिक मोडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यल्ड ऑफ द क्रॉप इस प्रकार की खेती में केमिकल्स की जगह ऑर्गेनिक मैनोर जैसे कि गोबर और सड़ी गली पत्तियाँ और नेचुरल पेस्टिसाइड जैसे कि नीम और हल्दी जैसे हर्ब्स यूज किए जाते हैं उपज बढ़ाने के लिए जेनेटिक मोडिफिकेशन भी नहीं किया जाता